दोबारा देखूंगा, मैं दोबारा देखूंगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज एक अपन बहुत नई इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। आज हम 10 रील्स देखने वाले हैं, जिसमें से कुछ मीम्स होंगी, कुछ नॉर्मल रील्स भी हो सकती हैं, रैंडम रील्स होंगी। उनको देखेंगे और उसमें से तीन अपन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी सबसे बेस्ट थी। सो आई होप कि मीम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई मीम्स देखने का अलग ही मज़ा है। तो लेट्स वॉच द रील्स और लेट्स होप कि इन्जॉय कर पाएँ। तो रील नंबर 1 से शुरू करते हैं। Just trust us, okay? You won't जबरदस्ती एनिमे दिखाया जा रहा है भाई। अटैक ऑन टाइटन एनिमे? आई हैव नो आइडिया। इसे कहते हैं एनीमे कन्वर्जन, जो कि यहाँ पे अभी अभी एक बंदा फ्रेश कन्वर्ट हुआ है। देखो पर्सनली मैंने भी एनीमे नहीं देखा है भाई, मैंने भी एनीमे नहीं एक्सप्लोर किया। मैंने ड्रैगन बॉल्स ही देखा है, मगर वो एनीमे है या नहीं है। तो मुझे वो तो बहुत पसंद है। तो आई अंडरस्टैंड कि जो लोग एनीमे देखते हैं, जैसे कि वही था ना जब गेम ऑफ थ्रोन्स आया था, और जब लोग बोलते थे कि भाई तूने जीओटी नहीं देखा, तो मैं समझता हूँ एनीमे वाले भी सेम वही फील करते होंगे। बट ठीक है भाई, तो ये थी अपने रील नंबर 1। अब चलते हैं रील नंबर 2 पर। Get some bananas. Oh, help. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, all my niggas who be acting too bold. भाई क्या बकचोद रील थी ये। ऑन द जीसस क्राइस्ट जैसा दिख रहा था मुझे। माय गॉड, मैं घर वालों के सामने जोत। भाई ये तो बहुत मेरे जैसा है भाई। तो ये बहुत बढ़िया था भाई। रील नंबर 3 सबसे बढ़िया लगी अब तक की। रील नंबर 4 पे चलते हैं। I'm not a gamer. What's the value of building your own gaming PC? Why would you do that? It's kind of, it's just the experience. You are building something which is entirely custom to you. It's the doing all the research, learning how to put it together, getting over the terror of these expensive components arriving in the mail, and then you just plugging them in like adult Lego, and then hoping you don't blow up the house when you press the power button. And it's really, really rewarding when you don't blow up the house. Sure. यार हेनरी कैवल ने ये चीज़ सही बोली है कि जो हम पीसी बनाते हैं ना, एज ए गेमर या आप टेक एंथुजियास्ट हो कैसे भी, तो जो उसका मज़ा है ना, जब आप रिसर्च करते हो कि मेरे को ये प्रोसेसर चाहिए, मुझे कितनी रैम चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड लूँ मैं, और मेरे को SSD कौन सी लेनी है, ठीक है, सारी चीज़ें जब आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, फिर आप एक डिसीजन लेते हो। ठीक है, जैसे मेरे घर के पास तो नेहरू प्लेस मार्केट पड़ता है भाई, एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट। तो मैं वहाँ जाके जब ये सब चीज़ें R&D करके वहाँ पे प्राइस पता करता हूँ, फिर ख़रीदता हूँ, और उसके बाद उसे असेंबल करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, शॉप पे करवा लो या खुद करो। जैसे लास्ट PC जो है मेरा, अभी जो PC है, वो मैंने खुद असेंबल किया था। कुछ पार्ट्स मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, कुछ मैंने एरोप्लेस से लाया था, और उसको जब असेंबल करके आप फर्स्ट टाइम उसको बूट करते हो ना भाई साहब, जो वो फीलिंग होती है, वो सही में हेनरी कैवल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। वो एक अलग फीलिंग है भाई। आप किसी भी गेमर से पूछ लो, ठीक है, किसी भी टैकी से पूछ लो, जब आप PC स्टार्ट करते हो अपने हाथ से बना हुआ, उसकी फीलिंग अलग लेवल की होती है। ठीक है, अगर आप एग्री करते हो भाई, कमेंट में लिख दो और सबको बता दो। और इसी के साथ अपन चलते हैं अब रील नंबर 5 पर।
consent. Get your hairy ass into my office now. Every single one of you knows my ass isn't hairy. Yet none of you spoke up. I will never forgive you. He's right. We're cowards. Kent! भाई उस बंदे को ये नहीं बुरा लगा कि वो 10-12 लोगों के सामने चिल्ला गई, उसको ये बुरा लगा कि समझ जाओ भाई हिंदी में बोलूँगा तो बहुत बहुत अजीब सा लगेगा, हैरी एफ, बट बढ़िया था भाई ये वाला रील, बढ़िया था, 5th नंबर वाला रील सही था, मस्त था। लेकिन अभी तक मेरे को सबसे अच्छा लगा हेनरी कैविल का जो पीसी बिल्डिंग के ऊपर था भाई, वो अभी तक मेरा बेस्ट है, मेरा फेवरेट है पर्सनल। तो अब रील नंबर 6 पर चलते हैं। Just take the money, man. Sorry about the mess. It's cold outside. No, not you. Him. Nigga, I am a cop. Just take the... Racism in 2040. बढ़िया था भाई, ये भी अच्छा था, बट लास्ट वाला ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। ठीक था, 6, ओके, 7 पे चलते हैं। फुल ब्रेन। सस्ता बोल ब्रेन भाई। या जमाने में भी आर्गलाश या तमाम दवा में सेंड दवा। ये बंदा जब तक चुप था तब तक सही था, और जैसे इसने बोला और तभी हक दिया, तब वुल्वरिन का जो ये वल्ला वल्ला हो गया है ना भाई, वुल्वरिन जैसा लग रहा है। ठीक है भाई, 7th रील ये थी, बढ़िया थी, ठीक थी। दोबारा देखूंगा मैं, दोबारा देखूंगा। गजब थी भाई, गजब। उस बंदे को 2 मिनट प्रोसेस करने में लगी कि मेरे साथ हुआ क्या है, उसने फिर बाद में देखा भी है कि गीला गीला क्या। ये रील बढ़िया थी भाई। रील नंबर 9 पे चलते हैं, सॉरी 9 पे। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। क्यूट था भाई, बहुत क्यूट वीडियो है ये। मामा, भांजी, भांजा, जो भी है, भांजी लग रही वैसे तो। भाई इससे मेरे को एक बहुत अच्छी शायरी याद आ गई, जिसको समझ आ जाएगी वो समझ जाएगा, क्या मज़ा है तख्ते और ताज में, जो मज़ा है
है कि नहीं? तो भाई ये थी आज की 10 रील्स रैंडम जो हमने देखी। तो भाई मेरी जो फेवरेट रील रही वो टॉप पे, वो भाई हेनरी कैवल वाली थी, पीसी बिल्डिंग वाली। आई नो बहुत लोगों को इतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन भाई इमोशनली बहुत प्यारी थी भाई। एज ए गेमर, एज ए टैकी, आपको वो रील 100% पसंद आएगी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो रील मेरे को पसंद आई वो भाई वही वही वाली थी जो गाड़ी में उसके मुंह में वो गाजर या पता नहीं क्या डाल देता है, वो जबरदस्ती। और उसके बाद भाई जो थर्ड रील मेरे को पसंद आई वो क्यूट बेबी वाली पसंद आई, जिसमें मामा अपनी भतीजी के साथ या भतीजी के साथ खेल रहा होता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरा ये नया कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट में लिख देना, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि इसमें मज़ा भी आ रहा है और देखने को भी बहुत कुछ बढ़िया मिल रहा है यार। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो भाइयों सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय, टेक केयर। But I say that